बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? वेलकम टू क्लास 8। ओपन योर बुक पेज नंबर 9। यूनिट नंबर 2, सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों में जो है वो हसासियत, जैसे कि द ब्लाइंड यूज देयर सेंस ऑफ टच फॉर रीडिंग। जैसे कि अंधा जो है वो अपने सेंस ऑफ टच यानी हाथों की मदद से जो है वो पढ़ सकता है। पेज नंबर 10। सेंसिटिविटी और इरेटेबिलिटी इज़ द पावर टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। सेंसिटिविटी जो है वो हमारी पावर है जो कि हमें स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करने में मदद करती है। स्टिमुलस कैन बी डिफाइंड है, स्टिमुलस क्या है इसको समझना है। एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन विच कैन ब्रिंक अबाउट अ चेंज इन एन एक्टिविटी ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपकी बॉडी में जो है वो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से जो चेंजेस आती हैं या आपके बॉडी पार्ट उसकी वजह से जो है वो मूव करते हैं या चेंज होते हैं, तो इसको हम जो है वो स्टिमुलस कहते हैं। लाइक रिस्पॉन्स इज़ द टर्म यूज फॉर द चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज़ अ स्टिमुलस इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट रिएक्ट स्लोली टू स्टिमुलस वाइल एनिमल रिस्पॉन्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। प्लांट्स जो है वो स्लोली मूव जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। एनिमल जो है वो फौरन ही इसको जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। द एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिजम्स आर लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी, टच, वाटर एंड केमिकल सब्सटेंस। एक्सटर्नल स्टिमुलस में हमारे पास जो है वो रोशनी है, दर्जा हरारत है, ग्रेविटी है, टच करना है, वाटर है, केमिकल सब्सटेंसेस भी इसमें आ सकते हैं। द रिस्पॉन्स मेड बाई एन ऑर्गेनिज्म इज जनरली शोन बाई मूवमेंट। ज़्यादातर रिस्पॉन्स जो है वो हमें मूवमेंट के तौर पे शो होता है। आइदर एज अ होल ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव्स आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस एज प्लांट शूट्स एंड रूट्स एंड द लिम्स ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले हमें बताना चाहिए मूवमेंट्स इन प्लांट्स, पौधों में जो है वो मूवमेंट कैसे होती है। सबसे पहली मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट। सबसे पहले हमारे पास है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि दे आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स मेड बाय अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ अ मेमोसा प्लांट और बीइंग टच्ड और क्लोजिंग ऑफ अप द लिड ऑफ अ पिचर प्लांट ऑन द एंट्री ऑफ एन इंसेक्ट। यानी कि जब आप एक पौधा है मेमोसा जिसको हम टच मी नॉट कहते हैं, उसको हाथ लगाएंगे तो उसका जो है वो सडन क्लोज हो जाना, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो इसको हम जो है वो नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। सब उसके बाद है टैटिक मूवमेंट। व्हेन अ होल ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी, वाटर एंड सर्टेन केमिकल्स टू बी एग्जिट टैटिक मूवमेंट्स। जब ऑर्गेनिज्म जो है वो एज अ होल लाइट, ग्रेविटी, वाटर या केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो उसको हम टैटिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि मूवमेंट ऑफ क्ले मेडोमोनास एंड यूग्लिना, उसको हम टैटिक मूवमेंट कहेंगे। यूग्लिना जो है वो अपनी खुराक के लिए फ्लैजिलम की मदद से रोशनी की तरफ जाता है, और क्ले मेडोमोनास भी पानी में रहने वाले ये छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, व्हेन अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ अ स्टेशनरी प्लांट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस द रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। स्टेशनरी पार्ट्स जो प्लांट के हैं उसकी मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। द स्टिमुलस इज यूजली अप्लाइड फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो मेड इन वन डेफिनेट डायरेक्शन। द रिस्पॉन्स मे बी पॉजिटिव यानी टूवर्ड्स स्टिमुलस एंड नेगेटिव यानी कि अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। द रिस्पॉन्स शोन बाई द टिप्स ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म एंड द रिस्पॉन्स शोन बाई द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। पेज नंबर 11, ऑक्सिन एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ऑक्सिन जो है ये प्लांट के लिए बहुत ही अफेक्टिव किस्म का जो है वो हॉर्मोन है, केमिकल है। ग्रोथ इन प्लांट्स इज कंट्रोल बाई अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हॉर्मोन्स। ऑक्सिन आर द क्लास ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोंगेशन ऑफ द सेल इन शूट्स। ये जो शूट्स हैं उनकी ग्रोथ में यानी एलोंगेशन उसके लंबा होने में, बढ़ने में उसकी हेल्प करता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाई द रूट एंड शूट टिप्स। ये रूट और शूट टिप्स पर प्रोड्यूस होते हैं। फ्रॉम द टिप्स दे पास डाउन टू द ग्रेविटी रीजन और वहाँ से ये जो है ग्रेविटी तक पास हो जाते हैं। सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में जो है वो हम सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स ऑन अ होल आर मोर एक्टिव देन प्लांट्स। दे हैव डिवेलप डेफिनेट सिस्टम टू रिसीव स्टिमुलाई एंड ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स इन द बॉडी। एनिमल्स जो हैं वो एज अ होल जो है वो मूव करते हैं प्लांट्स की नस्बत।
Static movement in animals, unicellular organisms such as amoeba and paramecium show static movement, where the whole animals move towards or away from a stimulus. Sensitivity in mammals. अब mammals में कैसे sensitivity जो है वो होती. The organs and systems which deal with the sensitivity are very well developed in mammals. ये जो हैं organ और organ systems ये mammals में very well developed हैं. जैसे कि they are capable of receiving very detailed information about the environment. The nervous system of the and endocrine system help to bring about any coordination of the various activities within an organism so that the organism acts as an integrated whole. जो हमारे endocrine system और nervous system है ये हमारी help करते हैं, ये हमें coordinate करते हैं body को कि वो मुख्तलिफ activities को जो है वो सर अंजाम दे सके और इसकी वजह से हम जो है as a whole एक जगह से दूसरी को move कर सकते हैं. The nervous system of a mammal is composed of brain, spinal cord and nerves. हमारे nervous system जो है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक spinal cord, brain, दिमाग और nerves, और इसमें मौजूद जो है वो हमारी छोटी छोटी सी nerves. The endocrine system is made up of endocrine gland which pour their secretion directly into the blood stream. Endocrine system जो है इसमें हमारे पास glands मौजूद होते हैं जो कि direct ही blood streams में जो है वो अपना secretion करते हैं. The secretion of endocrine glands are called hormones. इनको हम hormones कहते हैं. They are chemical substances which help to coordinate the function of the body. Hormones are mostly concerned with bringing about response to stimulus inside the body. This coordination between the nerve system and the endocrine gland. जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है और जो नर्वस सिस्टम है उसका इफेक्ट जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है. हाउ कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट, कोऑर्डिनेशन कैसे होती है. कोऑर्डिनेशन हैज़ फाइव मेन कंपोनेंट्स, पांच मेन कंपोनेंट्स है इसमें. फर्स्ट है हमारे पास स्टिमुलस, सेकेंड रिसेप्टर, थर्ड कोऑर्डिनेटर, फोर्थ इफेक्टर एंड फिफ्थ रिस्पॉन्स. अ स्टिमुलस इन एनी चेंज इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, हमारी जिस्म के अंदर या बाहर जो चेंज है उसको हम स्टिमुलस कहेंगे, जैसे कि साउंड, लाइट, स्मेल, पेन और टच. रिसेप्टर आर सेंस ऑर्गन्स विच डिटेक्ट अ स्टिमुलाई. रिसेप्टर जो है वो सेंस ऑर्गन्स है जो इन स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि ईयर्स, आईज, नोज, स्किन और टंग. जैसे कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उसको रिसीव करने के लिए हमें कानों की ज़रूरत है. कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है उसको देखने के लिए आँखों की ज़रूरत है. सूंघने के लिए हमें नाक की ज़रूरत पड़ेगी और उस चीज़ को टच करने के लिए हमें जो है वो स्किन की ज़रूरत पड़ेगी और चखने के लिए हमें ज़ुबान की ज़रूरत पड़ेगी. रिसेप्टर आर द सेंस ऑर्गन्स विच, अच्छा आगे कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स आर ऑर्गन्स विच रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर. कोऑर्डिनेटर वो ऑर्गन्स है जो रिसेप्टर से जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे. जैसे कि आपने अगर कुछ सुना है उससे आपको जो है वो दिमाग रिसीव करेगा, तो आपके ईयर से होता हुआ वो आपके ब्रेन या स्पाइनल कोड की तरफ जाएगा. उसके बाद अफेक्टर्स, अफेक्टर आर द पार्ट ऑफ बॉडी विच आर कंट्रोल्ड बाय द कोऑर्डिनेटर्स. अफेक्टर जो हैं इनको कोऑर्डिनेटर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपके मसल्स. जैसे आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे आपका हाथ फ़ौरन पीछे खींचेगा, तो ये आपके अफेक्टर की वजह से हुआ है. पेज नंबर 12.